हाँ नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कलावीथिका मंडला में। जो है यहाँ पर रंग मंडला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के युवा और कलाकारों के लिए एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चित्रकलाएँ प्रदर्शित है यहाँ पर, और हम इसको आज देखेंगे और किस प्रकार की प्रदर्शनी है आज हम जानते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर अभी कुछ दिनों से बच्चों को यहाँ पर रजक कला वीथिका में निःशुल्क ग्रीष्मकालीन चित्रकला एवं कथक नृत्य का प्रशिक्षण हो रहा है। चलो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार का प्रशिक्षण हो रहा है और किस प्रकार से युवा कलाकारों की चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है। इसका जो लोकार्पण हुआ है 22 फरवरी 2020 को सैयद हैदर रजा के जन्मदिन पर हुआ है। तो दोस्तों हम एंट्री कर गए हैं इसके अंदर और देखते हैं किस प्रकार की चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है और क्या बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। ये एंट्री है, यहाँ पर देख सकते हैं ये अलग अलग प्रकार के चित्र हैं। डिफरेंट टाइप के आर्ट हैं। Thank you.
बच्चों को सिखाया जा रहा है किस प्रकार से पेंटिंग करी जाती है और क्या है उसका, निःशुल्क क्लासेस है। तो दोस्तों आज हम जैसे बता ही चुके हैं कला वीथिका आए हुए हैं, यहाँ पर हमारे दीपमणि भाई हैं जो पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं और साथ में शहर के युवा हैं जो अलग अलग रंगमंच और अलग अलग जगह पर अपना सहयोग प्रदान करते हैं और यहाँ पर भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चलो आज हम जानते हैं उनसे कि उनका यहाँ पर क्या सहयोग है और क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ में और बच्चों के साथ में कैसे कैसे सहयोग कर रहे हैं, उनको क्या शिक्षा और मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आज उनसे जानते हैं। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि सर ने बताया कि मैं रजा फाउंडेशन पर मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ। रजा फाउंडेशन नई दिल्ली की एक सोसाइटी है, एक संस्था फाउंडेशन है और सैयद हैदर रजा साहब जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया, उनकी याद में प्रत्येक वर्ष हम फरवरी में और जुलाई में 5 दिवस का कार्यशाला आयोजन करते हैं। जैसे बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, छाते पे रंग, गमले पे रंग, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। इस वर्ष 2022 में हम लोगों ने अभी 2 मंथ का समर क्लासेस स्टार्ट किया है जिसमें सुबह पेंटिंग सिखाई जाती, कथक डांस सिखाया जाता है और शाम को पेंटिंग सिखाई जाती है। और वर्तमान में भी 1 महीने का हमने आर्ट एग्जीबिशन लगाया हुआ है, आप देखेंगे पूरी गैलरी इस वीडियो पे देखेंगे, और बहुत सारे चित्रकार जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं उनकी पेंटिंग लगी हुई है। हर एक पेंटिंग अपने आप में कुछ ना कुछ मैसेज देती है और उसके बारे में ज़्यादा डीपली तो कलाकार ही बता पाए कि किस सोच से उन्होंने बनाया है। अच्छा, तो ये पेंटिंग जो है तो आधुनिकता दर्शा रही हैं, बहुत ही अलग हैं, जैसे कि ये पत्ते की कलर से, मतलब पत्ता टाइप से बना हुआ है। तो ये एक ये जो कलाकार होंगे ये कैसे सोच के, क्या सोच के बनाते हैं, उसमें कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग की मानसिकता क्या है, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ हमें वस्तु नज़र आती है, लेकिन यदि अच्छा, कलाकार उस चीज़ को देखता है तो कुछ ना कुछ उसमें नज़र आता है। हर आर्ट के पीछे उनके एक बड़ा मैसेज होता है, कुछ सोच होती है, उसके बाद वो कलाकृति करते हैं। हमने अक्सर सिर्फ पेड़ पौधे ही देखे हैं चित्रकारी में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखेंगी जो हमारी समझ से परे होगा, आपको लगेगा कि मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा ये। अच्छा 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 अच्छा, ये बहुत ही सुंदर कलाकारी है ये, और आपके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है मंडला के लिए, के विषय में आप और क्या कहना चाहेंगे? ये पेंटिंग के विषय में तो यही कहना चाहेंगे कि आप सभी एग्जीबिशन पे आइए, देखिए पेंटिंग और चीज़ें समझिए, आपको भी नई नई चीज़ें देखने मिलेंगी और बहुत कुछ यहाँ पर नया मिलेगा आपको। तो दोस्तों देखते हैं, अब ये पेंटिंग यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट है, ये नए नए कपड़ों में ऐसा लग रहा है कि गाँव की कथरी जैसे कह सकते हैं वैसी है, पर हमारे समझ से परे आखिर ये पेंटिंग है। ये थोड़ा आर्टिस्ट बाहर से आए हुए हैं, ये तो आर्टिस्ट ही बता पाएगा आखिर क्या है, पर उनकी जो कल्पना है वह कल्पना से परे है ये पेंटिंग। बिल्कुल देखिए यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने उकेर दिया गया है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। तो दोस्तों अब हम आए हुए हैं बच्चों के पास में, यहाँ पर उनको अलग अलग प्रकार की चित्रकला सिखाई जा रही है। चलिए हम देखते हैं बच्चों से, पूछते हैं कि कौन किस प्रकार की चित्रकला सिखाई जा रही है और आखिर उनमें क्या प्रोग्रेस है, चलिए अब जानते हैं उनसे। देख सकते हैं दोस्तों ये बच्चे लोग कुछ बना रहे हैं, बच्चे लोग बना रहे हैं, ये है।
देख सकते हैं दोस्तों, बच्चों के हाथों से बनाए हुए ये पेंटिंग्स हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। बन गया यार। सर समझाते हुए, सर आप बच्चों को कब से सिखा रहे हैं? ये हम लोग 25 तारीख से स्टार्ट किए हैं। अच्छा, राजा फाउंडेशन की तरफ से। अच्छा। और बच्चों को निःशुल्क बेसिक जो टेक्निक है, अच्छा, वो हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे प्रकार से ये ड्राइंग बनी हुई है एक लड़की की, तो ये बच्चे लोग बना लेंगे आपके, आप सिखाएंगे तो? हाँ बिल्कुल बना लेंगे, वही टेक्निक हम इनको देने। तो क्या एक बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं जानता है ड्राइंग बनाने के बारे में, वो बना सकता है क्या इसको? नहीं, एकदम से पूरा नहीं बना पाएगा। अच्छा। लेकिन बेसिक जो लाइंस जो होते हैं, सर्कल हो गया, ओवल हो गया, इसकी प्रैक्टिस कराने के बाद फिर हम इस टाइप से उनको सिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने कहीं सीखा है या फिर आप धीरे धीरे खुद से करने लगे फिर आने लगा? जैसे ये बच्चे हैं ना, इसी टाइप से जब मैं छोटा था, अच्छा, तब से मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आप लोगों का अच्छा प्रयास है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं आप। चलो ये लाइव स्केच है। अच्छा अच्छा। एक बच्चे को बिठा के, हाँ बेटा इधर आओ, आप कुछ बना के दिखाएंगे। ठीक है जी। ये गुड़िया, इसको बिठा के हमने इसको ड्रॉ किया है बच्चों के सामने। अच्छा। कि कैसे मतलब टेक्निक होती है कि हम सामने जो पर्सन बैठा है उसको हम कैसे हूबहू है ना उतारने की कोशिश करें। और भी लोगों को क्या संदेश देंगे आप कि लोग यहाँ पर आएँ और क्या कैसा क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? और रजा फाउंडेशन की तरफ से जो ये जो प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चे अच्छा अच्छा आ सकें, इसलिए निःशुल्क, अच्छा निःशुल्क यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हाँ। कथक वगैरह की भी दी जा रही है यहाँ पर सुबह और शाम को, चित्रकला की? यस। अच्छा, 5 से 7 और सुबह 8:30 से 10:30 तक। 10:30 तक कथक डांस। अच्छा अच्छा जी। बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोगों का अच्छा प्रयास है, धन्यवाद। 90 बच्चे। अच्छा 90 बच्चे हैं। तो आज तो वो इनॉग्रेशन के कारण मतलब हाँ कुछ बच्चे अभी नहीं आए हैं, बाकी डेली आते हैं। ठीक ठीक। धन्यवाद सर आपका, आपके प्रयास का। तो इस प्रकार दोस्तों हमने घूमा, राजा कला वीथी का घूमे और बहुत ही शानदार यहाँ पर अलग अलग चित्रकारी है और जो मन को मोह लेती है और बिल्कुल आधुनिकता को दर्शाती है यहाँ पर मूर्तियाँ चित्रकारी है जो बिल्कुल दिमाग से परे हैं। अगर उनको समझना है तो एक चित्रकारी को अगर समझना है तो उसको बहुत ही गहन दृष्टि से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक चित्रकार उसको क्या दिखाना चाह रहा है, उसमें उसकी क्या दृष्टि है, उससे ही समझ पाएंगे हम। तो आज हम दोस्तों यहाँ आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ा। धन्यवाद दोस्तों।